नमस्कार आज अपने आस्क बसंत में डिस्कस करेंगे अडानी विल्मर, बहुतों तो ने मतलब सौ दो सौ आदमियों ने बोला होगा कि अडानी विल्मर देख के बताएं अडानी विल्मर देख के बताएं इसीलिए आपने सोचे कि उसको डिस्कस करते हैं तो ब्रॉडली अडानी विल्मर जो है ये एक फॉरन पेरेंट है इसमें और अडानी ग्रुप है एटी दोनों मिला होल्ड करते हैं आधा आधा है ब्रॉडली तो इस कंपनी का लगता है एफ और ये कंज्यूमर ब्रांड है लेकिन एफ और कंज्यूमर इसमें से 20 परसेंट है बाकी 80 परसेंट जो इसका है वो एडबेल ऑयल ट्रेडिंग का बिजनेस है ज़्यादा ज़्यादातर ट्रेडिंग करता है ये तो वो बहुत सिंपल है समझना भी ट्रेडिंग के, का कैसे पता चलता है अगर आप इनका मार्जिन देखेंगे तो पैट मार्जिन बहुत ही कम है वन मतलब वन के पैट में काम करना ये तो जो सूता लेके बेचते हैं यान का काम करते हैं वो एक मार्जिन में काम करते हैं इधर से खरीदा उधर से बेचा सिमिलरली इनका जो है सिमिलरलीर पंद्रहेंट का है जो प्योर एफ बिजनेस होता है उसका आर ओई पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे होता है तो रिटर्निटी टू परसेंट पार्ट है आगे अपने कभी करेंगे जिनको ज्यादा समझना और ड्यू पॉइंट एनालिसिस गूगल करें तो आप देखेंगे इसमें एसेट टर्न बहुत इसका हाई है मतलब इनको एसेट चाहिए ही नहीं चार हजार तीन सौ का करीब एसेट है इनको चार हजार तीन सौ करोड़ का उसपे पचास हजार करोड़ का टर्नओवर कर देते हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग में आपको क्या एसेट चाहिए ना आपको प्लांट चाहिए ना मशीनरी चाहिए ना लैंड चाहिए ना वेयर हाउस चाहिए यहां से उठाया और वहां बेचा और बीच में अपना मार्जिन रखा वैसा काम अस्सी परसेंट का है बाकी बीस परसेंट बिजनेस अच्छा है इनका काफी अच्छा है मैं अपने एंगल से बताऊंगा क्योंकि मुझे वो अस्सी परसेंट ट्रेडिंग वाला अच्छा नहीं लगता बाकी बीस परसेंट मुझे अच्छा लगता है तो वो इसमें ये फॉर्च्यून ब्रांड के हिसाब से ज़्यादातर तो फॉर्च्यून ऑयल बेचते हैं उसका एड भी टीवी में आता है उसके साथ साथ आप देखेंगे फॉर्च्यून का आटा फॉर्च्यून का बेसन अब आप देखेंगे उसके पहले फॉर्च्यून का चिप्स और फॉर्च्यून का काफ़ी कुछ भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक ब्रांड जब आपका बन जाता है उसके बाद आपको सिर्फ उसको एक्सटेंशन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है फॉर एग्जांपल आपने प्राइम टाइम बुक किया कि हमको भाई आठ बजे शाम को जी सिनेमा में या जी टीवी में एक ऐड चलाना है फॉर्च्यून का फॉर्च्यून ऑयल खाइए आप हेल्दी हो जाएंगे आप 200 साल तक जिएंगे सब बताएंगे ये आपको उसके साथ क्या होगा जब आप स्टोर पे जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे फॉर्च्यून तो नाम सुना हुआ है अच्छा फॉर्च्यून बेसन भी है क्या वो भी दे दे अच्छा और क्या है अच्छा फॉर्च्यून आटा भी है क्या वो भी दे दे तो अगर एक ब्रांड बड़ा होता है आपका और उसका आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसके नाम पर आप जितने ब्रांड निकलते हैं ना तो उन सबकी बिक्री हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके शहर में गुप्ता जी बहुत अमीर है तो बोले आप गुप्ता जी के लड़के हैं क्या हाँ मैं उनका भतीजा हाँ मैं उनका भांजा हूँ हाँ मैं ये हूँ तो गुप्ता जी के नाम पर सबको ही की इज्जत भरती रहती है अब भाई इसको लेकर ट्रोल मत करना बट एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब आप एक ब्रांड जब आप रखते हैं एक को प्रमोट करते हैं जैसे कोलगेट आप देखेंगे कोलगेट के पीछे टूथब्रश भी निकाल दिया उन लोगों ने तो चलो काम पे आते हैं वापस ये कोलगेट ये सब तो हम करते रहें तो एक घंटा निकल जाएगा तो इनका 80 परसेंट बिजनेस जो है एडेबल ऑयल का है एडेबल ऑयल का ग्रोथ तो कमोडिटी में क्या ग्रोथ होगा समझिए 6 7 8 10 परसेंट का मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगा 20 परसेंट बिजनेस इनका फूड है तो 20 में अगर ये 25 परसेंट ग्रोथ कर लिए तो नेट नेट ग्रोथ कितना होगा अगर 80 परसेंट बिजनेस आपकी कंपनी का दस ग्रो कर रही है तो एट्टी का दस परसेंट वो 8%, और बीस अगर तीस ग्रोथ कर रहा है तो बीस का तीस हो गया छः तो आठ और छः हो गया चौदह तो फोर्टीन परसेंट से ज्यादा मुझे नहीं लगता है ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है अनले से नए प्रोडक्ट्स लगाए फॉर एग्जाम्पल आज आटा बेच रहे हैं कल बेसन बेचेंगे कल फिर सूजी बेचेंगे फिर उसके साथ और चार तरीके की चीज करेंगे फिर फॉर्च्यून की क्रॉकरी भी निकाल सकते हैं ऐसे सोच रहे हैं मतलब निकाले नहीं निकाले दूसरी बात है तो इस एंगल से हमें देखना चाहिए बट मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में यह है प्रोमोटर लेवल की बात दूसरी है इनका एबिटा मार्जिन सिर्फ तीन परसेंट का है परसेंट एबिटा मार्जिन सवा परसेंट का पैट मार्जिन वो नाम का FMCG है। उसमें, आ, FMCG के कोई भी नहीं है बढ़ा तो। है, है। 2014 में मुझे याद पड़ता है पंद्रह सेल था जो अभी इनका सेल हो गया है पचपन हजार का 55,000 सो so फ्रॉम 15,000 थाउजेंड एट द 55,000 करोड अब बात करते हैं ऐसे देखते हैं कंपनियों को कि भाई जो पेरेंट है तू अपने कंट्री में कुछ किए हो कि नहीं किए हो कि तुम पे ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं कि विल्मर ग्रुप इसमें है तो ग्रुप ने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट किया है कि नहीं तो हम थोड़ा हिसाब किताब देखें सिंगापुर डॉलर में उसका सात डॉलर का दाम शायद था 2010 में जो आज शायद चार साढ़े चार डॉलर है तो पिछले बारह सालों में तेरह सालों में विल्मर के दाम में सेंट पैतीस परसेंट चालीस परसेंट घटा है विल्मर का दाम तो विल्मर ही वैल्यू क्रिएट नहीं किया है और सबसे जो अचंबे वाली बात यह विलमर की तीन सौ सब्सिड्रीज है थ्री इतनी सब्सिडरीज नॉर्मली मैनेजमेंट में अकाउंटिंग में फिनेंस में मेरा यह एक्सपीरियंस रहा है जितनी ज्यादा सब्सिडरीज उतना डिफिकल्ट आपको उसके अकाउंट्स को समझना होगा फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी कम से कम पता नहीं कितनी सब्सिड्रीज है तो किसी को समझ ही नहीं आता है रिलायंस का क्या है वो तो रिजल्ट निकलने के बाद लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा ये निकला क्या ऐसा हुआ जि, जितनी ज्यादा सब्सिड्रीज उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके अकाउंट्स होता है उतना ज्यादा नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाता है विल्मर को पीछे पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं उनको चाइल्ड एक्सप्लाइटेशन और ये सब में भी काफ़ी झमेला हुआ था कि भाई वो बच्चों से काम कराते हैं पूरा पैसा नहीं देते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं बट खास बात विल्मर पे अडानी विल्मर पे ये

और मुझे विलमर मिलता है अडानी तो क्योंकि क्या हुआ क्या अडानी के सारे शेयर लोगों के हाथ से निकल गए एंटरप्राइज किसी ने लिया नहीं पोर्ट ज्यादा चला नहीं उसके बाद ग्रीन किसी को किसी ने कोई समझा नहीं तो इस ढंग से अडानी के सारे शेयर हाथों से निकले लोगों के जब विलमर आया तो लोग बोले इसको तो नहीं छोड़ेंगे इसी ढंग से लोगों ने अब लिया क्योंकि सब आपको एंटरप्राइज हाथ में आया नहीं पोर्ट तो चला नहीं और ग्रीन जो है वो किसी को समझा नहीं तो फिर बचा क्या इन लोगों के पास जहां विल्मर और अंबुजा आया लोगों ने ऐसे पकड़ लिया जैसे अब यही पार लगाएगा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेयर बाजार में होता है ओवर ओनरशिप अगर हर आदमी के पास विल्मर है हर आदमी के पास अंबुजा है तो वो स्टॉक चलने में बहुत मुश्किल होता है क्यों इसलिए सपोज अगर विलमर तीन थ्री सेवन डाउन सर्किट था बीस पच्चीस लाख के सेलर थे उसकी बात बाद में करते हैं आपने ले लिया सबने ले लिया ये जब 420 जाएगा तो कौन लेगा तो सबको ही अगर एक स्टॉक को ले लिए हैं और फिर वो स्टॉक बढ़ता है तो नया बायर कहाँ से आएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हो, ओवर ओनरशिप की मुझे लगता है अडानी विल्मर हुआ अंबुजा सीमेंट हुआ ये बहुत ही ओवर ओन स्टॉक्स हैं और अभी के हिसाब से भी थ्री में डाउन सर्किट था अभी के हिसाब से भी मुझे लगता है कि इसमें उतना मतलब मुझे पता है अगर ये दाम बढ़ जाएगा तो फिर ये क्लिपिंग चलेगी बहुत जगह बट मुझे तो नहीं समझ में आता है कि इसमें उतनी वैल्यू है अगर आपको वैल्यू नज़र आती है अगर आपको रियल फॉरेन पेरेंट वाली कंपनियां देखनी है तो फिर आप बाकी देख सकते हैं मैरिको देख सकते हैं एचयूएल देख सकते हैं हाँ अगर इसमें अडानी ग्रुप ये बोलता है कि हम 20 परसेंट का ग्रोथ

पूरी बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो इसका कैश कन्वर्जन रेशियो जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल बिजनेस में हम बोलते हैं रॉ मटेरियल से लिया कच्चा माल कहां से लिया बेचा बेचा जब बेचा, तो उधारी कब आई और कब चुकाया इसका कैश कन्वर्जन रेशियो आठ दस दिन का ही है मतलब रुपया नहीं फंसाता है अपने काम में कहीं से लेता है किसी को बेचता है बीच में अपना प्रॉफिट रखता है और अपने घर बैठता है आराम से तो बिजनेस मॉडल अच्छा है रोबस्ट है सॉलिड है लेकिन सत्तर के पी लाइक बिजनेस मॉडल मुझे समझ नहीं आता है मेरे पास है नहीं मैं लूंगा नहीं लेकिन अगर आपको लेना ही है लेना ही है भाई लेना है मुझे आप छोड़ो बसंत जी मुझे तो लेना है आप बताओ क्या करना है तो मैं बताऊंगा कब लेना है जिस दिन इसका सर्किट खुलेगा ना ये सीधा ऊपर सर्किट पे जाएगा सीधा ऊपर सर्किट पे जाएगा इसको लेना उस दिन चाहिए अगर आप ब्रोकर के यहां लगा दें कि भाई जैसे ही इसका सर्किट खुले सर्किट से एक रुपए ऊपर लगाएं अगर आपको लेना है तो स्टॉप लॉस के हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं है वापस बोल रहा हूं क्योंकि नहीं तो ये स्टॉक रुकते नहीं है अगर आपको बहुत ही जरूरी है लेना आप बोले नहीं इसके लिए बगैर मेरे को नींद नहीं आएगी मुझे लेना ही है तो आपके लिए ये है आप सर्किट के ऊपर लगाएं एक रुपए दो रुपए जैसे ही सर्किट खुलेगा आपके स्टॉक आ जाएंगे क्योंकि सर्किट खुलने का मतलब है जो बीस पच्चीस लाख शेयर के जो सेलर खड़े रहते हैं इसके सर पे सुबह सवा नौ बजे से नौ बज के सात मिनट से वो एब्जॉर्ब हो गए तो वहां से ही चलने का लेकिन इसमें एक ओवरहैंग और आएगा पिछले साल शायद फेबर मार्च में इसका इश्यू आया था तीन साल के अंदर ये 88 परसेंट प्रोमोटर का जो है इसको घटाकर इसको 75 लाना होगा तो तीन साल के अंदर एक ओ आएगा इनको बेचना पड़ेगा एफ नहीं है लेकिन कंपनी शेयर बेचेगी और पब्लिक में शेयर आएगा तो अभी ओवरहैंग तो आएगा एक साल निकल गया दो साल बचा अगले दो साल में ये इनको एफ करना ही पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज सेवेंटी फाइव परसेंट मैंडेटरी है प्रमोटर को अपना होल्डिंग करना तीन साल के अंदर तो ये रही बात अडानी विल्मर की लेकिन विल्मर का अगर आप मुझसे देखेंगे तो उसका मार्केट कैप उनमें से एक बिलियन डॉलर है वहाँ पे तो इतना कोई खास मुझे इसमें कंपेलिंग बाय नज़र नहीं आता है हाँ अगर ये फूड बिजनेस पूरा होता और सब कुछ ही फॉर्चून से आता और इतना ग्रोथ आता तो फिर दूसरी बात होती पूरी बट पूरा फूड बिजनेस है नहीं और एडिबल ऑयल का आपको पता ही है कि मेरे रिजर्वेशंस है कि तेल बेचना इधर से लेना और उधर से बेचने में उतना मार्जिन नहीं है और मार्जिन भी है तो मार्केट उसको नहीं मानता है बहुत काफ़ी कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी तो वो एंगल से देखना चाहिए चलिए ठीक है थैंक यू